अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए हम आज साग बनाने लगे हैं, हमारे भी खैर फॉलोअर हैं। ये गांव से हमें साग उन्होंने भेजा है अपने गांव का। ये देखे ना, ये सरसों का साग है और छोटा छोटा साग है। ये बहुत प्यारा बनता है ये साग, सरसों का है। इसका जायका बहुत ज्यादा होता है और साथ में ये देखे उन्होंने पालक भी और ये बाथू भी और मेथी भी और ये मूलियां शूलियां उन्होंने सैलड का सामान भी हमें साथ भेज दिया है। अभी तो हम दोनों मियां बीवी मिलकर काटने लगे हैं ये साग और साग को हम प्रेशर कुकर में रख के पकाएंगे ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि 4 का टाइम हो गया है। काफी देर के हमें देखे गए हैं, तो अभी हम प्लान कर रहे थे कि साग को कैसे बनाया जाए। अब इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे, प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा सिर्फ इसको पकाते हैं बगैर उसको बंद किए हुए प्रेशर कुकर को, ठीक है, बंद नहीं करते। तो 15-20 मिनट पकाते हैं ताकि थोड़ा नीचे बैठ जाए, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर बंद करते हैं। उसमें चूल्हा चला के ना वेट लगा के आधा घंटा बस इसको पकाते हैं। आधे घंटे में ये गल जाता है, फिर इसको गंदू का आटा डाल के घोल लेते हैं। इसमें मैं सब्ज मिर्च डालती हूँ और मोटी कुटी हुई गाजर मिर्च होती है वो डालती हूँ, वो मैं बहुत ज्यादा डालती हूँ, और नमक ऐड करती हूँ। इसके अलावा और हल्दी छल्दी कोई अदरक लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालती मैं। अभी ये सारा सामान कट के इसको अच्छी तरह धोएंगे, हम धो लेंगे, धोने के बाद भी पकने के लिए रखेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ रहिएगा। आज धुंध बहुत ज्यादा पड़ रही है बाहर और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमें ये सब्जी आ गई है और सरसों का साग तो सबकी कमजोरी है, हमें तो बहुत पसंद है। क्यों काशी? मुझे भी बहुत पसंद है। और ये तो पराठे बलदार बनवाते हैं नाश्ते में और साग मक्खन डाल के ना इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सुबह बलदार पराठे बनाएंगे लच्छे डाल और साग मक्खन डाल के गर्म गर्म साग में। मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही गर्म करके इसमें मक्खन डाल देती हूँ। हमारी नानी दादी हमारी माँ तड़का नहीं लगाती थी, वो सिर्फ गर्म करके इसको साग को पकाने के बाद, तो अच्छी तरह गर्म कर लेना है। गर्म करके इसमें मक्खन गर्म गर्म साग में डालते तो साग मकई की रोटी, हाँ मकई का आटा लेके आए कि भाई आज मकई का आटा, मुझे याद आ गया कि सरसों का साग हमने 2-3 बार पका लिया है लेकिन अभी तक मकई की रोटी के साथ पकाई, मकई की रोटी पकाएंगे, ठीक है। सफेद मकई ढूंढेंगे किसी दुकान से मिल जाती है तो सफेद मकई की रोटी बनाएंगे सरसों के साग के साथ। चलें जी हमारे साथ रहिएगा, अभी हम काट ले जी। अब हमने तो पालक बाथू और थोड़ी सी मेथी और साग काट के अच्छी तरह धोया है। धो के हमने प्रेशर कुकर में 1 बड़ी बोतल पानी की जो 1.5 लीटर की है वो प्रेशर कुकर में डाली है। 3 किलो साग था, 1/2 किलो पालक थी, 1/2 किलो बाथू था और 1 पाव मेथी। ये सारी चीजें काट के धोई हैं और प्रेशर कुकर में रख दिया हमने। पानी 1.5 लीटर की बोतल पानी की गर्म की है, तो गर्म करके उसमें हमने धुला हुआ साग और पालक बाथू और मेथी पकने के लिए रख दिया है। और इसमें हमने 1 चम्मच बड़ा नमक का डाला है और इसमें 2 चम्मच दादर मिर्च, वो जो मोटी मोटी कुटी है आपको दिखा देती हूँ, ये देखेंगे वाली, ये बड़े 2 चम्मच डालने हैं और सिर्फ 7 या 8 हरी मिर्च ग्राइंड करके डाल देनी है। सिर्फ मिर्च थोड़ी सी डाल लें आप चम्मच अगर आप डालना चाहते हैं, नहीं तो ये वाली मिर्च और सब्ज मिर्च हम सिर्फ डालते हैं, दूसरी पीसी हुई सिर्फ मिर्च नहीं डालते। ये देखें ये दादर मिर्च जो है ये 2 चम्मच डालते हैं, 2-3 चम्मच डाल देते हैं, तो इसका जायका बहुत प्यारा था। साग कहते हैं ना बग्गा बग्गा साग, बड़ा प्यारा लगता है। जो बग्गा बग्गा साग होता है ना वो बहुत मजे का लगता है, और देखने में भी और खाने में भी ब्राउन सा कलर हो जाता है साग का। और फिर जब पक जाता है तो इसको आटा छान के उसको 1-1 कुटी डाल के ये देख रहे हो, ये साग पक रहा है ना आप देख रहे हैं। हाँ हाँ खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, हमें इंतजार है कब फटाफट पकेगा और हम खाएंगे। साथ बॉयल चावल होंगे अभी थोड़ी देर में और सुबह बलदार पराठे होंगे इसके साथ और गर्मा गर्म साग में मक्खन। ये देखे जी साग हमारा पक चुका है, अब इसमें हम ये जो गंदम का आटा है इसको छान के तो इसको हम इसमें डाली जाएंगे और राशन घोड़ना मारते जाएंगे। मैं आटा डालती जाऊंगी, राशन इसको घोड़ते जाएंगे। ये गंदम का आटा है, इसको घोड़ते घोड़ते गिल्टियां ना बने, इसमें बॉल्स ना बन जाए, इसमें कहीं फुटबॉल बन जाए, फुटबॉल बन जाए। चले थोड़ा सा रुके, ये देखिए ये देखिए ये गंदम का आटा डाल के ना तो इसको हम साग को फिर घोड़ते हैं ताकि अच्छी तरह साग मिल जाए और बड़ा प्यारा सा ये बन जाता है और बड़ी जबरदस्त इसकी लज्जत होती है। ये देखे ना
चले लगा दे ताकि ये अच्छी तरह घुर जाए। ये देखें, चले अब ये देखे जरा, ये मैंने सब धनिया काट के पानी में डिप करके रखा हुआ था और बड़ा प्यारा ये इसकी मिट्टी जो है ना वो नीचे बैठ जाती है। वैसे अच्छी तरह धो लिया हुआ दो तीन पानी से, लेकिन फिर भी मैं डिप करके रखती हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत मिट्टी हो तो वो नीचे बैठ जाए। ये ऊपर ऊपर से मैं सबल धनिया ऐसे उठाऊंगी, सबल धनिया में डिप करती हूँ और ज्यादा सारा डालती हूँ घोड़ते वक्त। ये देखे देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सबल सबल धनिया ऐसे ऐसे ले जी। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है सब्ज़ धनिये की, ये देखें जरा। ओ सुपर, तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ये। ये देखें जी, अब साग को हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका जायका कैसा है। ठीक है, अब गर्म गर्म साग जो है ना इसको हम थोड़ा सा प्लेट में लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। राशि में भी घोट रहे हैं तो जल्दी जल्दी टेस्ट कर लें। नमक मिर्च कम तो नहीं है ताकि जल्दी से इसमें, मिर्च तो खैर हम ज़्यादा तेज ही रखते हैं, नमक की कमी बेशी होती है। मेरी बहन को भी चेक कराएं जरा साग, साग चेक करके बताना जरा मेरी बहन। लाहौरी क्वीन खा लो सरसों का साग, गाँव से आया है मेरी बहन, भेजा है। जबरदस्त, बहुत मजे का साग। अभी हम सुबह पराठों के साथ खाएंगे, अभी हम चावल बॉयल करने लगे हैं, बॉयल चावल के साथ खाएंगे। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड पे पहुंचता है, इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह याद रखिएगा।